हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज में कफ कैसे लगाएं। बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगी लगाना, ऐसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। उससे पहले कि देखिए कि मैंने जो ब्लाउज का डिज़ाइन किया, जो मैंने गले में डिज़ाइन बनाया है, इसको हम इसमें लेस लगाना ही है। तो इससे पहले हम इस लेस को लगा लें, फिर आपको मैं कफ लगाना बताऊँगी। अगर आप इस ब्लाउज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और आप इस पूरे डिज़ाइन के ब्लाउज का उसमें देख सकते हैं जाके उस लिंक से टच करके। तो ये देखिए हमारा ये थोड़ा ब्लाउज का पतला है कपड़ा, तो इसको हम इसके ऊपर से अस्तर लगा लेंगे ताकि हमारा एक कफ ऊपर से दिखे ना ब्लाउज के ऊपर से, और इस पर ये अस्तर रख के सिलाई कर लेंगे, तब हमारा ये अस्तर वाला कफ हो जाएगा। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आपको अस्तर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरा ब्लाउज वाला जो कपड़ा है तो इसमें आर पार ये दिख रहा है। तो इसके हम चारों तरफ से ऐसे सिलाई कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये सिलाई बहुत ही कच्चा टाका करके लंबा टाका कर करना है ताकि हमारा ज़्यादा खींचे ना, ये देखिए आप। तो इस तरीके से हम दोनों कफ को तैयार कर लेंगे। अगर आपका ये कपड़ा मोटा है तो आपको अस्तर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरे इस ब्लाउज में से एक कफ दिख रहा था। तो देखिए हम इसको इस तरीके से ऊपर से 9.5 इंच पर टिक लगा लेंगे, और ये जो हमारा बीच का सेंटर है यहाँ से हम 3.5 इंच पर लगाएँगे बीचों बीच, और इसका बीच का सेंटर बना लेंगे ये देखिए, और इस बीच वाले सेंटर से इस बीच वाले सेंटर पर ऐसे रख के, और यहाँ पे इस तरीके से हम पकड़ लेंगे देखिए, और इसी बीच हम बीचों बीच यहाँ भी इस तरीके से पकड़ के ये देखिए। और आइए हम इसको मशीन पे सिलाई कर लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इसको अच्छे से पकड़ना है ताकि आपका अस्तर और कपड़ा एकदम एक बराबर रहे, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो, नहीं तो आपका अस्तर भी टेढ़ा हो जाएगा। ये देखिए हमारे ऊपर ब्लाउज वाला कपड़ा नहीं सिलना है, हम इसको अस्तर में ही टच करना है। तो मैंने बीच सेंटर को पकड़ के और यहाँ पर केवल अस्तर में इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमें केवल 1 इंच ही सिलाई करनी है, इस तरीके से अस्तर को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2-3 बार सिलाई चला लेंगे ताकि हमारे कफ अच्छे से अस्तर में जुड़ जाए। तो देखिए हमारी सिलाई हो चुका है और हमारे कफ जुड़ चुका है, देख सकते हैं आप। तो हमें ठीक इसी तरीके से ये देखिए अस्तर के साथ ज्वाइंट हो गया, ऊपर से हमारा ब्लाउज कपड़ा इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले को बीच का सेंटर बना लेना है 9.5 इंच पे, और इधर से बीच 3.5 इंच पे ये देखिए। तो हम इधर से 9.5 इंच पे टिक लगा लेंगे ये देखिए, और जो बीच हमारा सेंटर है बीचों बीच का, तो उधर से हम 3.5 इंच का माप ले लेंगे और बीच का सेंटर बना के, और कफ का बीच का सेंटर बना लेंगे। और ये देखिए हमारा जो चौक है ये बीच का सेंटर मिल गया है, इस तरीके से सीधा करके हमें कर लेना है बीचों बीच रख के। फिर हम इसको इस तरीके से यहाँ मशीन में लगाएंगे, और इसके दूसरे वाले को भी इसमें मशीन से हम थोड़ा सा सिलाई कर लेंगे। कफ लगाना बहुत ही आसान है, बस आपको जो बीच वाला सेंटर है, आप बीच वाला सेंटर अगर आप सही से लगा लेंगे ये देखिए, तो आपको कफ एकदम बीचों बीच अच्छे से लग जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप कफ लगाते हैं तो उसके बीच में आपको दोनों कफ के बीच में बीच सेंटर में 2 इंच की दूरी होना चाहिए। ये देखिए हमारा कफ लग चुका है और बीच में हमारी 2 इंच की दूरी बच गया है। अब हम इसके चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे और अपना गला बना लेंगे। अगर आपको यह कफ लगाने का आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा आप बनाए आने वाले सारे वीडियोज आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरीके से हमारा कफ लग के कम्प्लीट हो चुका है और ये हमारा ब्लाउज पूरा बन गया है। ये देखिए हाईनेक वाला ब्लाउज है। अगर आप भी इस ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाइए कमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप उस लिंक को टच करके इस वीडियो को बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।